आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। यमुना एक्सप्रेसवे खंदौली क्षेत्र में गाजियाबाद के कारोबारी जतिन कुमार की बदमाशों द्वारा लूटी गई सफारी कार थाना सिकंदरा पुलिस ने अरतौनी गांव से बरामद की है। एसपी सौरभ दीक्षित का कहना है कि व्यापारी की कार को बरामद कर लिया गया है, जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। आगरा खंदौली क्षेत्र यमुना एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार की रात बदमाशों द्वारा बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। खंदौली इंटरचेंज पर रात करीबन 9 बजे बदमाशों ने गाजियाबाद के कारोबारी जतिन कुमार को निशाना बनाकर उनकी सफारी कार को लूट लिया। मामले की सूचना तत्काल पुलिस को मिलने पर जनपद में चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं बॉर्डर क्षेत्र में पुलिस चेकिंग को टाइट रखा गया। बदमाशों द्वारा बॉर्डर पर पुलिस की कड़ी व्यवस्था को देख बदमाश वाहन को थाना सिकंदरा क्षेत्र अरतौनी गांव में छोड़कर भाग गए। देखिए, कल रात में कंट्रोल रूम से सभी को एक सूचना मिली कि एक्सप्रेसवे के पास खंडोली थाना क्षेत्र के आसपास एक काले रंग की सफारी कुछ लोग लेकर के जा रहे हैं और इसकी चेकिंग की जाए। सूचना मिलते ही सभी जगह पे घेराबंदी करके सभी अधिकारियों द्वारा और सभी थानों की फोर्स लगा करके चेकिंग की जा रही थी और इसके लिए हम लोगों ने मोबाइल दस्ते भी लगा दिए थे कि एक ये सस्पेक्टेड गाड़ी है, इसका मूवमेंट देखना बहुत ज़रूरी है कि कोई वारदात हुई हो सकती है। एसपी सौरभ दीक्षित ने कहा कि कारोबारी से पूछताछ में बताया गया कि 26 वर्षीय जतिन अपनी बहन संगीता को छोड़ने मथुरा गए थे। मथुरा बहन को छोड़कर जतिन कन्नौज अपनी ससुराल जा रहे थे। खंदौली टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद इंटरचेंज पर बाइक सवार तीन बदमाशों ने गाड़ी को रुकवाया और दो बदमाश बाइक से उतरे और तमंचे के बल पर सभी को बाहर निकाल कर गाड़ी को लेकर भाग गए। इसी क्रम में आज अर्ली मॉर्निंग पुलिस को ये पता चला कि गांव में गाड़ी खड़ी है और वहां पे हम लोग गाड़ी को ट्रेस किया जा चुका है। गाड़ी किन परिस्थितियों में वहां पहुंची है, कौन लोग इसके पीछे थे, उसकी जांच चल रही है। नहीं, अभी इसकी पूरी सही तरीके से जांच कराई जा रही है और जैसे ही कोई हम लोगों को ब्रेक थ्रू मिलेगा आप लोग को अवगत कराया जाएगा। एएसपी सौरभ दीक्षित ने बताया कि थाना सिकंदरा क्षेत्र अरतौनी गांव से कारोबारी की ब्लैक सफारी कार को बरामद कर लिया गया है। बदमाशों की निशानदेही और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पड़ताल की जा रही है, जल्द ही वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश पुलिस की गिरफ्त में होंगे। सी न्यूज के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।